सकता हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो तानाशाही वाली सरकार के आरोप तो मोदी सरकार पर बहुत पहले से लगते आए हैं। वहीं अब किसानों की आवाज़ दबाने के आरोप जहां मोदी सरकार पर लग रहे थे, वहीं उसका एक नमूना भी पानीपत में देखने को मिला है। जहां पानीपत पुलिस पर मोदी सरकार व खट्टर सरकार का इतना ज्यादा दबाव था कि किसी भी कीमत पर पीएम मोदी के पुतले को फूका नहीं दिया जाएगा, तो वहीं पुलिस ने सरकार के दबाव में आकर वही काम करके भी दिखाया है। किसान संगठनों और सीटू द्वारा कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन किया जाना था, लेकिन जिले के 4 डीएसपी सीटू के कार्यालय में ही पुलिस बल के साथ पहुंच गए, जहां पुलिस ने प्रदर्शन को जीटी से होते हुए लघु सचिवालय तक आने से तो रोका ही, साथ ही साथ कार्यालयों के बाहर भी प्रदर्शन करने नहीं दिया। पुलिस की तैनाती को देखते हुए प्रदर्शनकारियों ने कार्यालय के बाहर ही पुतला फूंकने की प्लानिंग की, तो वहीं प्रदर्शनकारियों द्वारा नारेबाजी करते हुए पुतले का दहन करना शुरू किया गया। इसी बीच सिविल वर्दी में एक पुलिसकर्मी पुतले को हाथों से छीनकर मौके से फरार हो जाता है। सीटू के सचिव सुनील दत्त ने कहा है कि प्रशासन का यह रवैया और सरकार की यह तानाशाही किसानों का गला घोटने का काम कर रही है, लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रही है, जहां प्रदर्शनकारियों को ना तो प्रदर्शन करने दिया गया है और ना ही पुतले का दहन करने दिया गया है। पूरे देश के अंदर किसान मजदूर संगठनों ने ये निर्णय लिया था, जो संसद के अंदर किसानों के खिलाफ और मजदूरों के खिलाफ जो कानून काले कानून पास किए गए हैं, जिससे किसान और मजदूर देश का बंधुआ गुलाम हो जाएगा, बड़े बड़े पूंजीपति और दलालों के घर भर रही है सरकार, उसके खिलाफ विरोध था। पुतला फूकने का कार्यक्रम था सरकार का कि भाई ये काले कानून वापिस लो, लेकिन लोकतंत्र की हत्या है कि पुतला ही नहीं फूकने देते दफ्तरों के अंदर, ये आके पुलिस घेर लेती है, पुतला भी छीन के ले जाती है, तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है? तो हम इसकी निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं, जनता की आवाज़ दबाने से काम नहीं चलेगा, इस काले कानूनों के खिलाफ ये संघर्ष जारी रहेगा भविष्य में। सुनील दत्त, सीटू राज्य सचिव। आज का हमारा कार्यक्रम था कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जो किसानों पर 3 काले कानून थोपे गए हैं, उनके विरोध में आज जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करना था और नरेंद्र मोदी को पुतला फूकने का ना किसानों का ना प्लान था। और हमारी इसके साथ साथ और भी अन्य इसमें मांगे हैं कि बस जो मंडियों में धान आ रही है, आज एक भी किसान को उसका पैसा नहीं मिला धान का। किसान मंडियों में पड़े हैं पोर्टल के नाम पर कि भाई पोर्टल खुलेगा, कभी खुलता है कभी बंद हो जाता है, और किसानों को ना परेशान किया जाता है। धान वाले किसान के पास कपास का मैसेज चला जाता है और कपास वाले किसान के पास ना बाजरे का मैसेज चला जाता है। किसान फसल मंडियों में लेकर के आते हैं, वो बिकती नहीं है, और जो इन्होंने खरीदी है वो उसका पैसा नहीं दिया है। और क्या करते हैं, रात को दूसरे प्रांतों से ना सरकार के एजेंट धान मंगा करके मंडियों में रात को तुलाई करवाते हैं और ये मोटा पैसा कमाने का काम करते हैं। इसी के साथ साथ शुगर मिल पिराई सीजन शुरू हो चुका है। हमारी सरकार से मांग है कि वे आने वाली 7 नवंबर तक अगर शुगर मिल को चालू नहीं किया तो जल्द ही मंडियों में और शुगर मिलों में और बिजली विभागों के दफ्तरों में हम प्रदर्शन और इनका ना आंदोलन करने पर ना मजबूर होंगे। सुरेश दहिया, प्रदेश अध्यक्ष, अन्नदाता किसान यूनियन हरियाणा। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।